कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश आफत बनकर बरसी है। शहर में जगह जगह पानी भर चुका है, सड़कें पानी में समा गई है। आलम ये था कि लोगों के घरों में भी पानी घुस आया, यानी बारिश के प्रहार से पूरा शहर रुका हुआ नजर आया है और अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में सड़कों पर सैलाब, पानी के प्रहार से बेबस बेंगलुरु, डूब गई गाड़ियां, ठहर गया शहर। सड़क समंदर और बेबसी का मंजर, तस्वीरें सामने आई हैं देश के आईटी हब कहे जाने वाले हाईटेक शहर बेंगलुरु से। अगर आपने कभी शानदार शहर को सैलाब के चंगुल में फंसते नहीं देखा तो आज देख लीजिए। जिंदगी की दौड़ में हुंकार भरने वाला शहर सैलाब के आगे सरेंडर करता दिखा। तस्वीरें ऐसी दिखी कि मानो बेंगलुरु किसी मैदान या पहाड़ी पर नहीं बल्कि टापू पर बसा है। पानी के प्रहार से बेंगलुरु शहर बेबस हो गया, सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियां पानी में रेंगने लगी। मंजर ऐसा कि दिन रात दौड़ने वाला शहर कुछ घंटों की बारिश में रेंगने लगा। बेंगलुरु में हुई तेज बारिश ने पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया। रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई और काफी बारिश हो गिर रहा था सारा। ये बिल्डिंग वाले तो नहीं थे, हम अपने बिल्डिंग यमहा शोरूम का जो बिल्डिंग था वहाँ पे हम बाहर निकले तो देखा काफी बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था और दोनों रोड बिल्कुल भर चुका था और ये डिवाइडर भी मतलब छुप गया था। उस रोड का बीच का डिवाइडर ये दोनों बराबर हो गया था। तो फिर हम अपने बिल्डिंग से वो पंपिंग सेट को निकाला, पंपिंग सेट से पानी हम हर 10 मिनट के बाद पानी निकालते थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई, फ्लाईओवर के पास से गुजरने वाली सड़कें पूरी तरह पानी में समा गई। गाड़ियों की क्या बात करें, इंसानों की रफ्तार पर भी ऐसा ब्रेक लगा कि लोग दुआ करने लगे कि ऐसी बारिश फिर शहर में ना हो। लेकिन निशाना शहर के इंतजाम पर था क्योंकि सैलाब के संकट से पूरा शहर सकते में आ गया। I never thought that in Bangalore this much of drainage I had to face. And again I thought that I would be able to cross it. But again it's my stupidity, I would have done work from home and I'm coming just to go to my workplace. But somehow you managed to come here. Yes, somehow I managed to come here, but now I have to see that how I will manage to go to my workplace. अब इन तस्वीरों को देखिए, फ्लाईओवर के एक हिस्से में पानी भरा दिखा, पीछे गाड़ियों की कतार दिखी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ियों को पानी से भरी सड़क पर उतार दे और इसी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ऐसा वैसा जाम नहीं, कई किलोमीटर लंबा जाम। जिन लोगों ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की वो पानी में उतरते ही रेंगने लगी क्योंकि बसों के पहिए पानी में डूबे हुए दिखे। जो लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे उनकी बेबसी तो कहीं और ज्यादा थी, उन्हें अपनी गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। सड़क पर पानी भरने की वजह से चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो या फिर बस, सब सैलाब में बेबस दिखे। बेबसी के आलम को दिखाती इन तस्वीरों को गौर कीजिए। जहां लोगों को मोटरसाइकिल खींचती है वहां मोटरसाइकिल को लोग खींचते दिखे। लेकिन ऐसी सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, नजर जहां तक पहुंचे नजारा एक जैसा था। किसी को घर जाना था, किसी को दफ्तर जाना था, किसी को बच्चों को स्कूल पहुंचाना था। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर जमा हुआ पानी और इसमें लगे ट्रैफिक जाम ने लोगों को मजबूर नहीं बहुत मजबूर कर दिया। बेंगलुरु में सैलाब संकट से मुश्किलें इस कदर बढ़ी है कि जो लोग अपने दफ्तर पहुंचने वाले थे वो ऑफिस देर पहुंचे, जिन्हें स्कूल पहुंचना था वो भी लेट हो चुके, जिन्हें जरूरी काम से बाहर निकलना था वक्त पर पहुंचना था वो जैम में फंस गए। सड़क पर लबालब भरा पानी और उससे गुजरती पीली बस। बस में बैठे कुछ बच्चे स्कूल में हो रही देरी से खुश जरूर थे लेकिन बस के बाहर जिंदगी बेबस थी।
कि पानी में डूबी इसी सड़क से कुछ बच्चे डूबकर अपने स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु के मराठा हल्ली में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। एक तो बारिश की वजह से सड़क पर जमा हुए पानी से लोग परेशान थे, तो दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर हो रहे निर्माण से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई। बेंगलुरु के मराठा हल्ली से आई तस्वीरों में दिखा कि कई लोग अपनी मोटरसाइकिल को खींच रहे थे। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही थी, लोग अपनी मोटरसाइकिल को खींचने पर मजबूर थे। बारिश के बाद चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आया। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम था। इस जाम के बीच लोग अपने ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिलने की वजह से सब लोग परेशान थे। एक अनुमान के मुताबिक बेंगलुरु में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से आईटी कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कंपनियों को मदद का भरोसा दिया है। ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೇಕಿನ್ ಮುಷ್ಕಿಲೆ ಸಿರ್ಫ್ ಆರ್ಥಿಕ ನುಕ್ಸಾನ್ ಸೇ ನಹೀ ಬಢಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ ಸೈಲಾಬ್ ಸಂಕಟ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಸೇ ಲಾಚಾರಿ ಕಿ ಏಕ್ ಔರ್ ತಸ್ವೀರ್ ದೇಖ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲಿ ಜಹಾಂ ಪಾನಿ ಮೇ ಫಸೆ ಆದ್ಮಿ ಕೋ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕರ್ ಬಚಾನಾ ಪಡಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಭಾಲ್ ರಹೆ ಜವಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ಶಖ್ಸ್ ಕೋ ಟಾಂಗ್ ಕರ್ ಸಡಕ್ ಪಾರ್ ಕರಾನಾ ಪಡಾ बेंगलुरु में दिन रात हुई बारिश के बाद चारों तरफ पानी भरा दिखाई दिया। सड़क के साथ रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। घर के बाहर से गुजरने वाली सड़कें पानी में डूबी नजर आई और लोग पानी में डूबकर ही सफर तय करते दिखाई दिए।